हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल ज्ञान रही सी नेट कॉमर्स। तो आज हम बात करेंगे एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन बहुत पुराना और बहुत ही फेमस मॉडल है जो 300 BC से पहले प्रपोज्ड किया गया था। और ये जो मॉडल है बेसिकली ये बेस्ड है ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर, ठीक है, और फोकस करता है पब्लिक स्पीकिंग पे, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे नहीं, ये फोकस करता है पब्लिक स्पीकिंग पे। तो एरिस्टोटल मॉडल जो है वो बेसिकली टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल द पॉलिटिकल रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज में क्या होता है, एक स्पीकर होता है, मतलब एक पॉलिटिकल लीडर होता है, वो कुछ स्पीच देता है, मतलब कुछ मुद्दे उठाता है, ऐसे मुद्दे जो उसकी जो ऑडियंस है उसको कनेक्ट कर पाए और फिर उसका उसको जितना अच्छा वो उसकी स्पीच होगी उतना ही पावरफुल इम्पैक्ट उसको देखने को मिलेगा, उसका उसका इफ़ेक्ट उसे देखने को मिलेगा अपने फाइनल रिजल्ट्स में, ठीक है। तो ये था एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन की। इसमें बेसिक 4 एलिमेंट्स होते हैं, स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस एंड इफेक्ट। तो उन्होंने एरिस्टोटल ने बोला था, कुछ एडवाइस करा था स्पीकर को, उन्होंने बोला था कि जो एक स्पीकर है वो अपनी स्पीच को है वो स्पीच को इस तरीके से फ्रेम करना चाहिए, मतलब डिफरेंट ऑडियंस के लिए डिफरेंट स्पीच होनी चाहिए, डिफरेंट टाइम जोन के लिए उसे डिफरेंट स्पीच प्रिपेयर करनी चाहिए, जिससे उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने को उसे मिलेगा, ठीक है। और अगर हम स्पीकर की बात करें तो स्पीकर में बेसिकली 3 चीज़ें होनी चाहिए, जैसे एथोस, पैथोस एंड लोगोस। एथोस मतलब क्रेडिबिलिटी, मतलब एक जो स्पीकर है जो उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो एक अच्छे स्पीकर में होने चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं या कोई बात एक और इंसान बोलता है तो रेलेवेंस किसकी बात को मिलेगी, तो उस क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। एथोस होना चाहिए, पैथोस मतलब कनेक्टिविटी, वो डायरेक्ट कनेक्ट कर पाए अपनी ऑडियंस को अपनी स्पीच से, तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पीकर के लिए। उसमें ये वाली क्वालिटी होनी चाहिए, मतलब पैथोस होनी चाहिए, कनेक्टिविटी विद द ऑडियंस, कनेक्ट कर पाए अपने आप को, ठीक है। और लास्ट होती है लॉजिक। लॉजिक मतलब वो लॉजिक के साथ बोले, स्पीकर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि वो जो भी कुछ बोले उसमें लॉजिक होना चाहिए, जिससे जो ऑडियंस है वो बेटर कनेक्ट हो पाएगी उसके साथ। तो ये था बेसिक एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन का। उसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, जैसे यहाँ पे ना किसी फीडबैक की बात नहीं कही है, नो फीडबैक, और देर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ नॉइज और बैरियर। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म है एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के। तो जो याद रखने वाली बात है सिर्फ वो ये है कि इसके 4 एलिमेंट होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड है, जैसे स्पीकर, स्पीच, ऑडियंस एंड इफेक्ट। दैट्स इट। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।